अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और साथ में क्रिप्टो मार्केट पूरी की पूरी जो है वो अप जा चुकी है, ये क्यों अप गई है इसके बारे में बात होगी और कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि मज़ीद अप जा सकते हैं इसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और बिटकॉइन की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी, बिटकॉइन आया के मज़ीद पम्प करेगा या यहाँ से डंप स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही बड़ा सवाल है। $60,000 से अबव जाएगा या फिर ये $55,000 तक आएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपके क्वेश्चंस का आंसर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, बहुत बड़ी वीडियो आने वाली है, वो आप 8 बजे या 9 बजे मुलाहिज़ा फरमाएंगे, लेकिन ये वाली वीडियो लेटेस्ट है। और आज भी बहुत बड़ा दिन है, जैसे कल था आज भी 12 सितंबर है। मैंने आपको वीक के स्टार्ट में बता दिया था कि ये जो दो दिन है 11 और 12 सितंबर, ये बहुत ही बड़े दिन हैं। तो आपने देखा होगा कल से लेकर आज तक बिटकॉइन की मूवमेंट देखें, बिटकॉइन 55,545 तक गया और फिर इसने $58,470 इसने हाई भी लगाया। बाकी मैंने आप लोगों को जो वेबसाइट बताई हुई है फॉरेक्स फैक्ट्री सिग्नल्स, आप लोग इनको मुलाहिज़ा फरमाएं, कल इनके सिग्नल जो हैं वो हिट हुए। आज देखिए कल इन्होंने सिग्नल दिए 11 को, बिटकॉइन का ही सिग्नल दिया था, टीपी हिट तो इनका कल ही कर गया था, आज इनका TP2 भी हिट हुआ है बिटकॉइन का, याद रखें आप। अभी आपको मैं दिखाता हूँ 55,545 कहाँ, 55,100 TP1 TP2 हिट करके और इनके क्लोज़ करवा दी ट्रेड, और WLD कॉइन की इनकी ट्रेड लगी हुई है और आई थिंक ये प्रॉफिट में है। और सुई कॉइन के भी TP1 और TP2 जो है ना वो हिट हो गया और ट्रेड इन्होंने क्लोज़ करवा दी फ्री ऑफ कॉस्ट। यार आपको सिग्नल सोल कॉइन को भी इन्होंने बाय करवाया था TP1 हिट करके, इसको इन्होंने क्लोज़ करवा दिया। माइरो कॉइन और साई कॉइन और WLD कॉइन, ये तीनों लगे हुए हैं और आप लोग इनको जाकर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, न्यू सिग्नल का इनका आप लोग वेट करें, किसी भी टाइम आ सकते हैं आप, इस वेबसाइट को विज़िट किया करें। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इन वेबसाइटों ने मुझे बताया है फॉरेक्स फैक्ट्री सिग्नल वालों ने कि हम गोल्ड के सिग्नल्स और क्रूड ऑयल के सिग्नल्स भी बहुत जल्द अपनी वेबसाइट पर शाया करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये चीज़ लाया हूँ। बाकी जिन लोगों का दिल माने विज़िट करें, जिनका ना माने ना करें, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में बताता हूँ। अब बिटकॉइन क्या करेगा अकॉर्डिंग टू माई प्रोडक्शन, के 58,500 जो डॉलर है ना, इसको अगर ट्रेड कर गया शाम, कितने बजे न्यूज़ है, 5:30 बजे, ठीक है 5:30, अगर ये इससे पहले इसको ब्रेक कर गया और ट्रेड करता रहा तो थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि $60,000 तक जाएगा। दोस्तों $60,000 तक 1 बिलियन से भी अबव है, बल्कि 2 बिलियन के राउंड अबाउट सुनने में आ रहा है, 1 बिलियन तो कन्फर्म है ना, लिक्विडेशन पड़ी हुई है और एक्सचेंजेस को पता होता है कि यहाँ ये काम जो है ना वो होने वाला है, और अगर हम इसको ऐसे ऊपर लेकर जाएं तो हमें मुफ्त में पैसे बचेंगे, लोगों के अकाउंट्स लिक्विडेट होंगे। तो मेरे सुनने में आ रहा है कि $500 से बिलो होता है अकाउंट, या $500 का होता है जो भी ट्रेडर खोलता है अकाउंट किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, चाहे बाइनांस है, चाहे आप मेरी बात से इख्तलाफ़ कर सकते हैं, चाहे बायबिट, वो लाइव खोलते ही नहीं है, हमें हमारे सामने वो लाइव होता है कि यार ये ऐसा ऐसा है, लेकिन ऐट द एंड वो लाइव नहीं होता, उनको पता होता है कि इसने नुकसान करके ही साइड पे होना है, तो उनकी बचत ही बचत है। ये एक मैं अपने तजर्बे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बाकी आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो आज का दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेवरेज का यूज़ कम कीजिए, बल्कि यूज़ ही मत कीजिए। और मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक आज मार्केट थोड़ा बहुत डंप करने के बाद ऊपर उठेगी, लेकिन कल वाली बात मैं आपको आज इस वीडियो में फिर बताऊंगा कि बाय ऑन डिप रहेगा, USDT में बैलेंस रखें, जैसे ही डिप में आए, ऐसा होता है आजकल, ऐसा हो रहा है 2-3 वीक से ऐसा हो रहा है कि न्यूज़ अच्छी आती है, यानी कि डॉलर वीक होता है मार्केट फिर भी नीचे जा रही होती है ऊपर जाने के बजाय, सही है। तो ये तो आप लोगों ने गुमान में न रखना कि न्यूज़ अगर डॉलर वीक हुआ तो मार्केट फौरी ये वो, आपने वेट करना है कि यार मार्केट डंप में आए, अगर डॉलर वीक हुआ है तो फिर हम इसको बाय करेंगे, और अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ है तो फिर तो डेफिनेटली मार्केट बहुत ज़्यादा डंप करेगी, तो फिर तो आपने इसको क्या करना है, डंप का वेट करना है। याद रखिएगा, मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ,
55,000 यानी कि $55,000 से बिलो अगर बिटकॉइन ट्रेड करेगा तो हम बेरिश जाएंगे, बेरिश जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इससे अबव ट्रेडिंग करता है तो हम बुलिश हैं, सही है। तो बेरिश अगर जाएंगे तो हम कौन सा पॉइंट मैंने आपको बताया, $55,000, जी हाँ। तो इससे नीचे है, लेकिन यहाँ से जो है वो न्यूज़ आ रही, और न्यूज़ अगर स्ट्रॉन्ग डॉलर आता है तो एकदम डंप आएगा, लेकिन $55,000 को माइंड में रख लीजिएगा कि उससे बिलो ना जाए। तो अगर उसके करीब करीब जाता है 55,000, जैसे कल गया 55,550 या 56,000, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी दोबारा हमारे पास। बिटकॉइन फिर इंशाल्लाह फर्दर अप जाएगा और फिर 18 तारीख तक इंशाल्लाह ये अप ही हमें नज़र आएगा। लेकिन फिल वक्त आपने ये ज़रूर देखना है कि न्यूज़ को मद्देनज़र रखकर आपने ट्रेड करनी है। उसके बाद रात को जो है ना वो एक न्यूज़ है वो मीडियम इम्पैक्ट की है। कल भी कोई ख़ास इतनी न्यूज़ नहीं है, बेशक फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे को मार्केट मूव करती है चाहे न्यूज़ ना हो, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कल आएगा तो आपको बताएंगे। अब आपको मैं इसमें ना एक बता देता हूँ, ये मार्केट पंप क्यों की। अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत न्यूज़ भी हैं वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, लेकिन जो है ना वो आपको एक कॉइन बता दूँ, 1 इंच के नाम से कॉइन है, इसको आप लोगों ने ज़रूर यूटिलाइज़ करना है, ठीक है ना। 1 इंच कॉइन को, ये सिग्नल एक किस्म का है आपके लिए, तो किसी भी टाइम ये ऊपर जा सकता है। बाकी फॉरेक्स फैक्ट्री सिग्नल्स के लिए अगर आप स्पॉट में इसको यूज़ करेंगे तो आप लोगों के लिए 101% कन्फर्म सिग्नल आपके सामने है अगर स्पॉट में यूज़ करेंगे। फ्यूचर में करें तो आपको अभी तक मुझे तो नहीं लगा, मैंने नहीं देखा कोई स्टॉप लॉसेस का हिट हुआ, अगर आप लोगों को लगा तो आप लोग बता सकते हैं, लेकिन आपने समझदारी के साथ इसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना क्या नाम है, सुई कॉइन का ऊपर जाना वो क्यों गया है ऊपर, वो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सुई कॉइन क्यों ऊपर गया है और मज़ीद अब ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट वीडियो सुई कॉइन के बारे में आएगी और सुई कॉइन से रिलेटेड कौन से ऐसे और कॉइन्स हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये ऊपर जाएंगे। तो ये 1 इंच का आप लोगों को मैंने सिग्नल बता दिया कि 25 सेंट पर ये मौजूद है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ना यूके यानी कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने यूके ने कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ना यानी कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, इनको एक प्रॉपर्टी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत हमें ऊपर नज़र आई है और मज़ीद आने वाले दिनों में हमें मार्केट अच्छी मूवमेंट करती दिखाई देगी। तो आप लोग जो है ना वो इस बात को ज़हन में रखिएगा कि FOMC भी आने वाली है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन अच्छा ही होगा। रियल वर्ल्ड एसेट के जितने भी आप कॉइन्स हैं, जितने भी ये अगर आपको मैं बताता चलूँ ये पूरी कैटेगरी है, इनको आप लोगों ने ओंडो कॉइन को लाजमी मद्देनज़र रखना है। ओंडो कॉइन किसी भी टाइम मूवमेंट अच्छी कर सकता है, ठीक है। एवलॉन्च जो है इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाने लगा हूं, और लिंक के बारे में, दोनों के बारे में वीडियो इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएगी, तो आप लोग वो ज़रूर मुलाजा फरमाइएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी और न्यूज़ यही है कि इंग्लैंड ने जो है ना वो एक किस्म की लीगली किया है इसको, तो उन्होंने ये काम किया है। तो बस आने वाले दिनों में अमेरिका में भी आप लोग देखेंगे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वहाँ भी अगर ट्रंप जीता तो ये क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छा होगा और क्रिप्टो के लिए इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा। आई होप सो कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।